पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां सरपंच चरण कौर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर हुई। मुलाकात के दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर शाह से मूसेवाला हत्याकांड की जाँच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गवर्नर बीएल पुरोहित मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि उनके बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो छोटे से गांव से उठकर मशहूर हो गया। 6 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कातिल पकड़े नहीं गए हैं। मूसेवाला की हत्या करने वाले राजस्थान और हरियाणा के भी बताए जा रहे हैं, इसलिए सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि परिवार को इंसाफ दिलाने में केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिटिंग जज से मूसेवाला हत्याकांड की जांच करवाने से इनकार कर दिया है। मूसेवाला के पिता की मांग पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को लेटर भेजा था। सरकार को दिए जवाब में कहा गया कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाईकोर्ट किसी सिटिंग जज को ऐसे मामले की जाँच के लिए कहे। इसके अलावा जजों की कमी और केसों के लंबित होने का भी हवाला दिया गया है। 29 मई को मानसा के जवाहर के गांव में मूसेवाला की हत्या हुई थी। 30 मई को परिवार ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की थी। उन्हें पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं दी। इसके बाद गृह सचिव अनुराग वर्मा ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को लेटर लिखा। इसके बाद ही पोस्टमार्टम हुआ। हाईकोर्ट ने इनकार करने के बाद भगवंत मान की सरकार ने परिवार को रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जाँच का सुझाव दिया था। उन्हें 5 नाम भी दिए थे, हालांकि वो सिटिंग जज की मांग कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच फिलहाल पंजाब पुलिस कर रही है, जिसकी निगरानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF के ADGP प्रमोद बान कर रहे हैं। इसमें IG जसकरण सिंह, AIG गुरमीत चौहान समेत कुल 5 मेंबर शामिल किए गए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस कोई बड़ा खुलासा नहीं कर सकी है।